करतारपुर कॉरिडोर पर आस्था की परंपरा और पॉलिटिक्स दोनों दौड़ पड़ी है और पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी अपने मंत्रिमंडल के साथ आज श्री करतारपुर साहिब के लिए रवाना होने वाले हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनका पूरा पंजाब मंत्रिमंडल आज सुबह करीब 10 बजे श्री करतारपुर साहिब में मत्था टेकने के लिए करतारपुर के लिए रवाना हो रहा है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी प्रतिनिधि मंडल में शामिल होंगे। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर करतारपुर कॉरिडोर के फिर से खुलने के बाद करतारपुर साहिब जाने वाला पंजाब का ये पहला भारतीय जत्था होगा। पंजाब के सांसद और कुछ विधायक भी 50 सदस्यों वाले प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा होंगे। पंजाब सरकार के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता भी पाकिस्तान जाएंगे और गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब में मत्था टेकेंगे। करतारपुर कॉरिडोर के जरिए श्री करतारपुर साहिब का दर्शन कर लौटे पहले जत्थे ने खुशी जाहिर की। आधे मिनट में गुरु नानक दर्शन की सुनिए पूरी कहानी। ये हमारे लिए बहुत भाग्यपूर्ण मौका था और 2019 में भी मैं पहले जत्थे पे गया था और आज 2021 में भी मैं पहले जत्थे पे गया हूँ और वहाँ पे हमारे लिए जो वेलकम किया गया वो ETPB के चेयरमैन और PSGPC के प्रधान, उन्होंने हमारे लिए फूलों की बरखा की, सरोपा पहनाया और यहाँ के BSF जनरल ने हमें सरोपा पहना के सम्मान किया। सर, अप्लाई करना तो बहुत इजी है, ऑनलाइन प्रोसेस है। आपको अपनी डिटेल्स देनी है, पासपोर्ट की डिटेल है, आपके आधार कार्ड की है, आपकी फुल वैक्सीनेशन रिपोर्ट है, कोरोना की RT-PCR रिपोर्ट लेके जानी है आपको साथ में, यही लेके जाना। सबसे पहले तो गुरुद्वारे में जो मेन कड़ा प्रसाद जिसको हम कहते हैं वो था हमारे सबके लिए, मतलब खुला, और लंगर का इंतज़ाम था। लंगर में 3 सब्जियां थी, मतलब सब कुछ प्रसादा था, चावल थे, चाय, इवन वो वहीं पर लाके पिला रहे थे। मतलब जो आप मुंह से बोला आपको वो मिल रहा था, पूरा इंतज़ाम किया हुआ था अच्छे से।